हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेजी किचन। आज हम लोग भिंडी की बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल नई सब्जी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच गोल मिर्च ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मसालों में से हल्की हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती। इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बहुत ही जल्दी ये मसाला फ्राई हो जाता है। और जब इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और 5 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इन्हें भी इस मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिला देंगे और फिर मसालों को एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। हम कढ़ाई में मसालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और जब मसाले हमारे हल्के से ठंडे हो जाएं तब हम इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसे बहुत बारीक पीसना नहीं है। चलिए अब हम भिंडी भी कट कर लेते हैं। तो भिंडी को कट करने के लिए हमने इसके किनारों को कट कर लिया है और उसके बाद फिर हम इसे बीच में से 4 भागों में कट कर लेंगे। हम फिर से आपको कट करके दिखा देते हैं। बस किनारों को कट कीजिए और उसके बाद इन्हें 4 भागों में कट कर लीजिए। अगर भिंडी बड़ी है तो पहले इसे 2 भागों में कट करेंगे और उसके बाद फिर बीच में से उसी तरह 4 भागों में कट कर लेंगे। हमने ये भिंडी आपको दिखाने के लिए बचा के रखी थी, 3-4 भिंडी। वैसे हम सारी भिंडियों को ऑलरेडी कट कर चुके हैं। भिंडियों को कट करने के बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जो हमने भिंडी कट करके रखी है उसे भी ऑयल में ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर भिंडी के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है तो हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ही हमारी भिंडी फ्राई हो जाती है। हमने यहाँ पर 1 किलो भिंडी ली हुई है और सारा मेजरमेंट जो भी हम आपको बताएंगे वो 1 किलो भिंडी के अनुसार ही बताएंगे। हमारा पहला बैच भिंडी का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसे किचन टोवे पर निकाल देंगे। सारी भिंडी मेरी कढ़ाई में नहीं आई थी तो हम इसे 2 बैचेस में फ्राई कर रहे हैं। अब हम दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक कि हमारी भिंडी फ्राई हो रही है तब तक फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। वैसे आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 4-5 हरी मिर्च बीच में से 2 भागों में कट करके ऐड कर देंगे। जब हमारा जीरा और मिर्च हो जाएगा तब हम इसमें 4 मीडियम साइज के प्याज लंबाई में कटे हुए ऐड कर देंगे और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता या हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। प्याज को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर लंबाई में कटे हुए ऐड कर देंगे और 2 बड़े चम्मच मसाला जो हमने तैयार किया था कढ़ाई मसाला वो ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक भी और ऐड करेंगे। हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो हमने ऐड कर दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च, हमेशा जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो नमक और मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब हम इसे ढककर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता।
2 मिनट में ही हम टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे, जिससे कि भिंडी सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और भिंडी अब सारे जो टेस्ट है मसालों के उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी हमने ऐड की है। इवन ये सब्ज़ी नान, रुमाली रोटी, कुलचे सभी के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी और आपके घर में बार बार बनाई और खाई जाएगी। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।